गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू आईएस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू। इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट था उसका चैप्टर टू है हमारा, जिसमें चैप्टर टू के अंदर में हमें देखना है फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक है, हमने चैप्टर वन को डिस्कस किया। जो व्यूअर्स पहली बार ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। चैप्टर वन को भी हमने डिस्कस किया, जहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी कुछ पॉइंट्स वहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इस चैप्टर से चैप्टर वन से मैंने ड्राइव किया है। अब चैप्टर टू को थोड़ा देखेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ फैक्ट्स हैं और मेंस पर्पज से तो उतना ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ पा सकते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर टू में क्या करता है। जस्ट लाइक चैप्टर वन की तरह यहाँ भी डिस्कस किया है कि ऑल ट्रीज स्टैंड्स विथ कैनोपी। ठीक है, ऑल ट्रीज स्टैंड विथ कैनोपी डेंसिटी ओवर 10% एंड हैविंग स्टैंड ऑफ मोर देन 1 हेक्टर इंक्लूडिंग द ट्रीज ऑर्चर्ड्स बम्बू पाम्स एंड एक्सेट्रा विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होगा उस एरिया के अंदर में, ठीक है, ऑर्चर्ड होगा, जो बोलते हैं ना फलों की जो लगाते हैं, क्या कहते हैं, बागवानी करते हैं, बम्बूस प्लांट भी किया जाता है, पाम ट्रीज भी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ख़ास करके ये देखा जाता है कि जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट लैंड्स पे है या किसी का प्राइवेट है या किसी कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल लैंड्स पे है, तो इन सबको इंक्लूड किया गया फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, इस असेसमेंट को करने के लिए इन सबको डिटेल में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से आप याद ध्यान रखना, यदि कि यहाँ से क्वेश्चन ये प्रीलिम्स में ये बने यदि कि किसको किसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि ऑर्चर्ड्स भी है, बम्बू है, पाम्स है एंड विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए। और साथ में जो ये फॉरेस्ट होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के लैंड्स पे ही होंगे, ये गवर्नमेंट लैंड पे तो होगा ही होगा, साथ में प्राइवेट एंड कम्युनिटीज़ और किसी इंस्टीट्यूशनल लैंड्स पे भी हो सकता है। ठीक है, ये सब का असेसमेंट किया गया इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स और भी है। जैसे इंडिया का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया है ना, 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया है कि हमारा टारगेट है कि हम 33% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में लाएंगे। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, 33% है। ठीक है, अब देखिए इस जो रिपोर्ट लाई जाती है, बिनानियल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं कि हर 2 साल पे निकलता है, 2017 में रिपोर्ट आई थी और अभी रिपोर्ट आई है 2019 में। ठीक है, इस रिपोर्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मॉनिटर किया जाता है कि फॉरेस्ट कवर जो हमारा है उसमें क्या चेंजिंग पैटर्न है, या तो फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखा जाता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहाँ पे भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ नेशनल लेवल पे किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, नेशनल लेवल पे तो करता ही करता है, साथ में आपको किसी पार्टिकुलर स्टेट का भी डिटेल बताता है और उस स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का भी रिपोर्ट बताता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा है कि हम 33% जो टारगेट है हमारा कि हम ट्री कवर करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग वो इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे भी हम लोग देते हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का ये भी यूज़ है, साथ में इस रिपोर्ट का ये भी यूज़ है कि मान लो कि कोई रिसर्च हो रहा है कहीं पे, खास करके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्षेत्र में या बायोडिग्रेडेशन के क्षेत्र में, बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी इस रिपोर्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस मेन प्रोजेक्ट इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जो हमने पिछले बार भी बात किया था कि IRS रिसोर्स सेट सीरीज का जो सैटेलाइट यूज़ किया गया है LISS-3 सेंसर को, ये एक्चुअली लाया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। ठीक है, और ये याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा सेंसर यूज़ किया गया है। ठीक है, और खास करके इसका एडवांटेज इस सेंसर का ये है कि काफ़ी हाई रिजोल्यूशन में रेडियोमैटिक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है ये, तो कि काफ़ी क्लियर इमेज होती है जो आपका देखा जाता है कि मान लो कि ट्री का कैनोपी किस तरह से या ट्री किस तरह से डिग्रेड कर रहा है या कहाँ पे ट्री की ग्रोथ हो रही है, ग्रो हो रही है, उस एरिया को एक क्लियर कट डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें ये नाम सिर्फ याद रखना है कि LISS जिसको बोलते हैं LISS जो 3 है, इसका इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना है, नाम याद रखना है, और याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए अब अगला देखो, हमारा जो ये जो सेंसर है LISS-3 सैटेलाइट, ये डेटा जो जनरली जो यूज़ किया जाता है वो जाता है हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे, तो हमें याद रखना है कि हैदराबाद में है। ठीक है,
तो ये एक यहाँ से भी आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अब यहाँ पे इन्होंने ट्री को क्लासीफाई किया है, क्लासीफाई किया है कि कैनोपी जो होगा ट्री की डेंसिटी उसकी अकॉर्डिंग। जैसे इसमें कहा गया है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं VDF, ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं MDF, फिर ओपन फॉरेस्ट है, स्कर्व है और नॉन फॉरेस्ट है। याद रखना कि डेंस फॉरेस्ट में कहा जाता है कि ऑल लैंड्स विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% और एबव, यदि 70% से ज़्यादा है और उसके एबव है, ठीक है, 70% हो या उससे एबव हो, उस एरिया को हम बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होता है उसमें कहता है कि ऑल लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% एंड मोर देन बट लेस देन 70%, 40% हो या 40% से ज़्यादा हो लेकिन 70% से यदि कम है तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट में क्या होता है कि ऑल लैंड विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% एंड मोर बट लेस देन 40%, इसको हम बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, स्कर्ब में आता है कि फॉरेस्ट लैंड विद द कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, यदि 10% से कम है तो स्कर्ब में आएगा। तो याद रखना ये क्लासीफाइड किया गया है, यहाँ से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नॉन फॉरेस्ट एरिया में कहा जाता है कि लैंड नॉट इंक्लूडेड इन एनी एबव द क्लास, इन चार जो एबव क्लासेस है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये जो चार क्लासेस यहाँ पे डिफाइन की गई है ना, इनमें से मान लो कोई एरिया नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है। आप इस फिगर को देख सकते हो, ये वेरी डेंस फॉरेस्ट का फिगर है, ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है, यहाँ स्कब है। अब ये चीज़ बताओ कि यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो होगा उसमें पेड़ जो होंगे ना काफ़ी पास पास में होगा, इस तरह से आप देख रहे हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ये मॉडरेट फॉरेस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि पेड़ों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट आपको पिक्चर से क्लियर पता चल रहा है कि ओपन फॉरेस्ट है, स्कब है। अब याद रखिएगा कि चार जो यहाँ पे पिक्टोरिकल ग्राफिकेशन किया गया है, प्रैक्टिकल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में आ जाएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है। यदि 70% और 70% से ज़्यादा है तो हम देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट में, यदि वो 40% से ज़्यादा है लेकिन लेस देन 70% है तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में आ जाएगा। मान लो वो जो ओपन फॉरेस्ट है, जो यहाँ पे कहता है कि ओपन फॉरेस्ट क्या होगा 10% और बट लेस देन द 40%, तो ओपन फॉरेस्ट में आएगा, और जो 10% से कम होगा वो स्कब में आएगा। ठीक है, जो चारों में से जो किसी में नहीं आता तो वो आपका आता है नॉन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए निकाला है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो 2019 का जो रिपोर्ट है ना, उस असेसमेंट में कहा गया कि जो फॉरेस्ट कवर है हमारा इंडिया का, खास करके आप देखेंगे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसका एरिया देख लो कितना किलोमीटर में है, 99,278 स्क्वायर किलोमीटर में, जब परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया का 3.2%। ठीक है, मॉडरेट जो है हमारा वो 9.39% है और ओपन फॉरेस्ट जो है हमारा वो है 9.26%। ओवरऑल आप देखोगे टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का तो वो है 21.67%। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बोलते हैं ना कि रिमेंबर करने में, याद करने में भी आसान होगा, क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट जल्दी याद होती नहीं है, तो एक दो बार आप इसको पेज पे लिख लेना जिससे आप इसको याद भी कर सकते हो। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि हम बात करें कि फॉरेस्ट कवर इन स्टेट एंड यूटीज़, यूनियन टेरेटरी हो या स्टेट्स, उस केस में देखो क्या हो रहा है। हमने कुछ स्टेट्स को यहाँ फाइंड आउट किया, खास करके वैसे स्टेट को मैंने हाईलाइट किया जिनका आप स्टेट PCS के एग्जाम्स देते हो। जैसे आप बिहार की देखो, बिहार में आप देखोगे जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 94,163 एरिया है इसका, और इसमें देखोगे वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 333 है और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है 3,280। तो इस तरह से मैंने इसको ओपन फॉरेस्ट का भी कर दिया है, टोटल आप देखेंगे बिहार का खास करके तो वो है 7.76 है। तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखना जब आप इस पार्टिकुलर स्टेट का जब एग्ज़ाम्स आप प्रीलिम्स का देने जाते हो, उसी तरह से आप झारखंड का भी देख सकते हो, दिल्ली का भी मैंने इसलिए दे दिया आपको कि दिल्ली से भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से आप इस जो बोलते हैं रिपोर्ट को और देख लीजिएगा, जहाँ जिस स्टेट का PCS एग्ज़ाम्स देने जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट में एक चीज़ और बताया गया कि जैसे फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वास, ये एक शब्द यूज़ किया गया है ग्रीन वास। तो याद रखना कि ग्रीन वास यदि टर्म देकर के UPSC क्वेश्चन पूछती है, स्टेट PCS पे क्वेश्चन आता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए।
पहला है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आप देख लो कि कौन कौन सा आता है, कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या काउंटर पार्ट ऑफ स्टेट एक्ट, किसी पार्टिकुलर स्टेट ने किसी को डिक्लेयर कर रखा है तो उसके इन दोनों को जोड़ करके मतलब रिजर्व फॉरेस्ट होगा और साथ में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जो ग्रीन बास होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि सर्वे ऑफ इंडिया ने ट्रोपोग्राफिक सीट्स बनाया है, उसमें उसने ग्रीन कलर में शो किया है। जनरली जो ये रेफर करता है ग्रीन बास को, जो ग्रीन कलर में जो इस एरिया को उसने शो किया है उसको बोलते हैं ग्रीन बास, जो रिप्रेजेंट करता है फॉरेस्ट एरिया एट द टाइम ऑफ सर्वे, जिस समय सर्वे किया गया उस समय फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है प्रिपेयरिंग सच ट्रोपोग्राफिक सीट। तो मतलब कि जिस समय असेसमेंट की जा रही थी सर्वे के टाइम, उस समय जिस एरिया को कलर आउट किया गया है उसको बोलाता है ग्रीन वास, ठीक है। तो ये टर्म है ग्रीन वास या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो इस तरह का टर्म आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन के जो पेपर क्वेश्चन होंगे उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर में खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उस रीजन के बारे में बात किया गया है, जिसमें से 8 स्टेट्स आते हैं आपको, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ठीक है। इस एरिया में कहा गया कि वन ऑफ द 17 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का 17 बायोडाइवर्सिटी उसमें से एक इस एरिया में डिफाइन किया गया है। तो याद रखना इसमें 8 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये ध्यान में आप क्वेश्चन को रखेंगे कि 17 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में उसका वन ऑफ द एरिया यहाँ पे है। तो इसको हम इस चैप्टर में यहाँ से भी एक पॉइंट आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, पे देखोगे कि इस रिपोर्ट के अंदर में कुछ डैम की बात की गई है और कुछ लेक भी बात किए गए हैं। तो ये लेक और डैम जो है, जैसे रणजीत सागर डैम है जो पठानकोट पंजाब में है और रेणुका लेक है सिरमूर हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना, यदि क्वेश्चन आ सकता है कि रेणुका लेक कहाँ पे है तो आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे तो लेक बहुत सारे हैं, लेकिन देखो हम सारे लेक्स को याद नहीं कर सकते एग्जाम्स के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जो आपको न्यूज़ में रहे या जो कहीं पे रिपोर्ट में यूज़ किया गया तो यूपीएससी भी वहीं से क्वेश्चन जनरली फ्रेम आउट करती है। तो ये आप बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक बॉक्स है, एक ये भी यहाँ से आप कुछ पॉइंट ड्राइव कर सकते हो। जैसे यहाँ कहा गया गंगा रिवर अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम, तो नमामि गंगे प्रोग्राम में आप पता है कि गंगा जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री है, जो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री इन हिमालया से और ये लगभग 2525 किलोमीटर एज ए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ स्टेट को पास करते हैं, जिसमें से उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और बाद में मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। देखो इसके लिए क्या किया गया है कि एक नमामि गंगा प्रोग्राम इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो लॉन्च हुआ है जून 2014 में। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो पॉल्यूशन कंजर्वेशन, और कहते हैं ना कि गंगा नदी काफ़ी पॉल्यूटेड है तो उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उसका कंजर्वेशन करने के लिए, रेजुमिनेशन करने के लिए भी नेशनल रिवर गंगा प्लान ये किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे यूज़ किया गया, तो नमामि गंगे प्रोग्राम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नमामि गंगे। और खास करके कितने स्टेट में पास करता है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किन किन स्टेट से ये पास कर रहा है। जनरली इसमें क्या जा रहा है कि जो की एक्टिविटीज़ जो इस प्रोजेक्ट में जो नमामि गंगे में है उसमें है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात किया गया है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात की गई, रिवर सर्फेस क्लीनिंग की बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की गई, एफोरेस्टेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब मान लो आप कितनों भी कानून बना लो, जब तक पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना, वो कानून या वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है। जैसे आप बहुत सारा इनिशिएटिव देखेंगे, जैसे बंद दरवाजा, इस टाइप का जो प्रोग्राम्स हैं, ओपन डिफिकेशन, जो खुले में शौच वगैरह की जो प्रॉब्लम है, खास करके आप इन सब स्टेट में देखेंगे कि नदी किनारे लोग जाके चले जाते हैं। तो इन सबों को आप किसी कानून से और किसी आप वहाँ पे बेरे लगा करके नहीं रोक सकते। आप कैसे रोकोगे जब तक कि पब्लिक को अवेयर नहीं करोगे कि गंदगी फैलाना किस तरह से हमारे लिए ही कितनी हानिकारक है। तो एक तरह से ये पब्लिक इनिशिएटिव के भी रूप में इसको लिया जा रहा है, और साथ में जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो है मॉनिटर करेगा, गंगा ग्राम बनाया जाएगा इसके लिए,
जो खास करके पब्लिक अवेयरनेस के लिए किया गया कि गंगा ग्राम, जो गंगा के तट पे जो गांव हैं उन गांवों को एजुकेट करने का, अवेयरनेस देने का ये काम इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो ये याद रखना है आपको, इस बॉक्स में काफ़ी मुझे लगा कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में भी बात की गई है और जनरली UPSC की आदत रही है कि वो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। इस रिपोर्ट में एक चीज़ और बात की गई है, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोलर प्लांट। ठीक है, एक सोलर प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट जो मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, इसके बारे में याद रखना है कि जो सोलर प्लांट है किस किस कंट्री के बीच में है, हमारा इंडिया और प्लस फ्रांस, इन दोनों के सहयोग से यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स थे आपका चैप्टर टू में ज़्यादा डिटेल्स इन्होंने नहीं किया है, तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए मैं कुछ PT पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को ड्राइव करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो यहाँ पे PT पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आप एक बार क्या करना, इस वीडियोस को आप एक बार देख लेना और जो पॉइंट्स आपको लगता है वो उसको आप अपने पेज पे नोट डाउन कर लेना। ऐसे मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यदि आपको किसी को चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर 2 जो हम डिस्कस किए हैं। अब आप आगे मैं आपको सारे चैप्टर्स का कंटिन्यू वीडियोस अलग अलग करके दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी दिक्कत ना हो कि एक बार ज़्यादा बड़ा वीडियोस है तो आप देख भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि हर चैप्टर्स पे जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं हमारे, या इम्पोर्टेंट जो उसमें कंसेप्ट दिया गया है, इम्पोर्टेंस कोई टर्म दिया गया है, तो हमने उसमें उसको इसमें ऐड करने की कोशिश की है। और ख़ास करके ये रिपोर्ट इसी बार आई है तो उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो जरूर ही होंगे UPSC में, प्रीलिम्स में। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वेरी मच।